हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ऐप लॉक पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ना मेरे व्हाट्सएप पे ऐप लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे अभी लॉक लगा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पहले से ही ओपन था इस वजह से आपको दिखा नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ना मेरे व्हाट्सएप पे अभी ऐप लॉक लगा हुआ है, पर यहाँ पे ना फिंगरप्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिंगरप्रिंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे आप इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिंगरप्रिंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। तो इससे ना होगा क्या कि अगर आप फिंगरप्रिंट ऐड कर देंगे तो जब आप ऐप लॉक पहले पैटर्न डाल के, पिन डाल के, पासवर्ड डाल के खोलते हैं तो आप जो है फिंगरप्रिंट से डायरेक्टली खोल पाएंगे। तो इसके लिए आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स, तो आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐप लॉक पर क्लिक करना है और यहाँ पर ना आपको अपना लॉक डाल देना है, जो भी आपका लॉक हो। लॉक डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज़ योर फिंगरप्रिंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर देना है। तो अभी शायद ही है मेरा जो फिंगरप्रिंट इस फ़ोन में ऐड हो, तो मेरा भी फिंगरप्रिंट इस फ़ोन में ऐड नहीं है। तो आपका फिंगरप्रिंट जो है ऐड होना चाहिए, तो आपको ऐड कर लेना अगर आपका ऐड नहीं है तो। तो मेरा भी ऐड नहीं है तो मैं अभी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ना फिंगरप्रिंट मैं ऐड कर लेता हूँ, फिंगरप्रिंट। तो ऐड फिंगरप्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो अभी मेरा जो फिंगरप्रिंट इस फ़ोन में ऐड नहीं था। तो अगर आपका भी ऐड नहीं है तो आपको ऐड कर लेना है, तभी आप वहाँ पे लगा पाएंगे। पहले आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो डन पे क्लिक करना है। अब हम जाएंगे उसी सेटिंग्स में, तो हमारा जो लॉक है वो लग जाएगा। तो हम जाएंगे ऐप्स पे, ऐप लॉक पे, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे लॉक। लॉक डालने के बाद यूज़ फिंगरप्रिंट पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। तो ये वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐसे लगा देंगे। तो देख सकते हैं अभी स्कैन कर, तो अभी यहाँ पे एरर दे रहा था पर यहाँ पे हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ से वो जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन हट चुका है, तो इसका मतलब है फिंगरप्रिंट वाला लॉक जो है लग चुका है। तो अब यहाँ पे ना हम व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट टच करेंगे तो ये हमारा ओपन हो चुका है व्हाट्सएप, पहले ये जो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप इस ऑप्शन को ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ना यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर आपने ये फिंगरप्रिंट लगा दिया तो आप इसे कैसे हटा सकते हैं, तो अगर आपको इसे हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से यही बहुत ही सिंपल है। आपको ऐप्स पे जाना है, ऐप लॉक पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, तो आपको इसे बंद कर देना है, ये कर देना। उसके बाद आपका जो है वो बंद हो जाएगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कैसे आप ऑन कर सकते हैं, कैसे आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ पता चल चुकी हैं, कैसे आप फिंगरप्रिंट को यहाँ पे ऐप लॉक के ऊपर फिंगरप्रिंट को लगा सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।